और अपकमिंग डेज में तो ऑन पैसिव में हर दिन कुछ ना कुछ बड़ा ही होते जाना है और हमारे सक्सेस में भी। इसके रिगार्डिंग कल के मीटिंग में सीईओ मिस्टर एस ने कहा भी है कि अपकमिंग डेज में बहुत बड़ा गुड न्यूज मिलने वाला है आपको, और वह न्यूज फीफा वर्ल्ड कप के स्पॉन्सरशिप से भी बड़ा न्यूज होगा। दोस्त, यह हमारे लिए बहुत बड़ा अपडेट है। हमारा फ्यूचर कैसा रहने वाला है हम इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं, और कल के वेबिनार से एक चीज ये भी क्लियर हो गया कि हमारा एआई टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट्स हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। इसमें सबसे बड़ा रोल ओ अकेडमी का रहने वाला है। इस फील्ड में ओ अकेडमी एंड ओ कनेक्ट बहुत बड़े लेवल पर क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं। कल डॉक्टर विल विलियम्स ने जो जो स्क्रीन शेयर करके दिखाए और जो कुछ भी बताया उन्होंने, दोस्त रियली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी होने वाला है ऑन पैसिव। पूरे वर्ल्ड में 1500 के करीब यूनिवर्सिटी हैं, जिससे लगभग 300 मिलियन स्टूडेंट जुड़े हैं, और अपकमिंग डेज में इनके लिए सबसे बड़ा जरूरत बनने वाला है हमारा ओकेडमी। हम सोच सकते हैं कि यह कितना बड़ा प्लेटफॉर्म होने वाला है पूरी दुनिया के लिए। किनोर शाह ने भी अपने बहुत सारे एक्सपीरियंस शेयर किए, कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में भी बातें हुई, और लॉन्चिंग के रिगार्डिंग भी इस वेबिनार में कहा गया कि लॉन्च वेरी सुन। चूंकि यह हमारा कॉर्पोरेट या 360 वेबिनार नहीं था, यह दरअसल हमारे एआई बेस्ड टूल्स का, टेक्नोलॉजी का हेल्थ एंड वेलनेस के क्षेत्र में कितना बड़ा योगदान होने वाला है, इसी सब्जेक्ट पर डॉक्टर विल विलियम्स एंड किनोर शाह के साथ सीईओ मिस्टर एस का कोलैबोरेशन एंड टाई अप को लेकर मीटिंग था। और आप में से बहुत सारे मित्र इस मीटिंग से जुड़े भी होंगे। आपको यह फील हुआ होगा कि ऑन पैसिव के साथ कितना बड़ा अचीवमेंट हम लेने वाले हैं। दोस्त, इसके एआई बेस्ड टूल्स दुनिया के हर क्षेत्रों में काम आने वाला है और इसे सभी यूज करने वाले हैं। खासकर हेल्थ इंडस्ट्री में सबसे अधिक प्रभावी होने वाला है हमारा ओकेडमी। यह एक प्योर एजुकेशनल टूल्स है और मेडिकल सेक्टर में स्टूडेंट एजुकेशन के लिए अपकमिंग डेज में ओकेडमी से ही जुड़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ लैंग्वेज का प्रॉब्लम भी नहीं रहने वाला है। आप जिस लैंग्वेज में चाहे उसे कन्वर्ट करके सुन सकते हैं और बिल्कुल आसान भाषा में, यानी अपनी भाषा में आप इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। डॉक्टर किनोर शाह ने प्रोडक्ट यूज करने को लेकर बताया कि जैसा जिसका प्रोफेशन होगा, जैसा जिसका वर्क होगा, उसके मुताबिक लोग ऑन पैसिव के प्रोडक्ट्स यूज करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ सभी के जरूरत के हिसाब से टूल्स हैं, किसी को कुछ चाहिए तो किसी को कुछ, सभी के समस्याओं का सोल्यूशन होगा यहाँ। सीईओ मिस्टर एस ने भी हेल्थ केयर सेक्टर की काफी तारीफ किए और उन्होंने कहा कि यह एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कभी खत्म नहीं होने वाला, डे बाय डे इस इंडस्ट्री का और अधिक विस्तार ही होना है, और इस सेक्टर के लिए हमारे एआई टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट बहुत बड़े रोल प्ले करने वाले हैं, और डिजिटल प्रोडक्ट के साथ साथ हमारे फिजिकल प्रोडक्ट्स भी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट होने वाले हैं, यानी वर्ल्ड लेवल पर उसके भी डिमांड बहुत अधिक रहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि हेल्थ इंडस्ट्री में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हमारे दो प्रोडक्ट्स होंगे, ओ अकेडमी एंड ओ कनेक्ट। उन्होंने कहा कि पूरे वर्ल्ड में 1500 के करीब यूनिवर्सिटीज हैं, अधिकांश यूनिवर्सिटीज में हमारे प्रोडक्ट्स यूज होने वाले हैं। हम बच्चों के एजुकेशन को भी ध्यान में रखते हुए उनके स्कूलिंग शिक्षा के बारे में कुछ बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स के वर्क को बहुत अधिक स्मार्ट बनाने वाला है हमारा ओकेडमी, उनके कामों को यह बहुत आसान करेगा। सीईओ ने यह भी कहा कि हम एक तरह से पूरी दुनिया को ही बदलने जा रहे हैं। डॉक्टर किनोर शाह ने भी कुछ स्क्रीन शेयर किए और उन्होंने बताया कि वह एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार किए हैं जिसमें सिर्फ वर्ल्ड लेवल के डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर शाह ने कहा कि इसके प्रोडक्ट डॉक्टर्स के लिए बहुत जरूरी प्रोडक्ट होने वाले हैं। दोस्त, सीईओ मिस्टर एस के कहने के अनुसार यह स्पष्ट लग रहा है कि ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट पर काम कर रहे हैं वे, बट जो पब्लिकली वेबिनार होते हैं वहां वे इन सब चीजों को नहीं बता सकते, लेकिन जब ये प्रोडक्ट लॉन्च होंगे तो पूरी दुनिया हैरान होने वाली है। कुछ इस तरह के प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं। अभी तो हम लोग ओ चैट, ओ नेट, ओ मेल, ओ अकेडमी, ओ कनेक्ट, ओ ब्लेस वगैरह के बारे में ही जान रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे पावरफुल प्रोडक्ट्स पर काम हो रहे हैं। सीईओ ने कहा कि एक और लैब में काम चल रहा है जिसमें एजुकेशन सिस्टम एंड लर्निंग मेथड नए तरीके से बनाने पर काम हो रहा है, जिसके माध्यम से स्टूडेंट्स फुली इंजॉय करते हुए स्टडी कर सकते हैं। दोस्त, सबसे बड़ा अपडेट सीईओ मिस्टर एस ने एक्साइटमेंट के साथ बताया कि अभी जो बुर्ज खलीफा एंड फीफा वर्ल्ड कप की बातें हो रही हैं और इससे लेकर हम सभी काफी उत्साहित भी हैं, अभी अपकमिंग डेज में इससे बहुत बहुत बड़ा होने वाला है। दोस्त, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कितने बड़े ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर्स हैं और यहाँ कितनी बड़ी कामयाबी मिलने वाली है हमें। आखिर वह कौन सा गुड न्यूज होगा जो फीफा वर्ल्ड कप के स्पॉन्सर से भी बड़ा गुड न्यूज होगा, यह समझने वाली बात है। दोस्त, डॉक्टर किनोर शाह ने ओ ब्लेस का भी काफी तारीफ किए कि यह दुनिया का पहला ऐसा क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है जहां कोई
फी नहीं रहने वाला। हमारे बहुत सारे अभी नए लैब्स ओपन हो रहे हैं। ये तो रहा कल के इवेंट के कुछ अपडेट्स दोस्त। आज है 19 सितंबर और कल है 20 सितंबर, और जैसे कि आपको पता ही है कि कल तक पेंडिंग आईडीज के जरिए फाउंडरशिप लिया जा सकता है। ऊपर वाले ने एक अंतिम मौका दिया है उन लोगों के लिए जो काफी तेज रफ्तार में बदलते दुनिया के साथ, बदलते टेक्नोलॉजी के साथ अपनी जिंदगी भी बदल सकें, बड़ी सफलता पा सकें, क्योंकि कल के बाद करोड़ों रुपये देने के बाद भी यह फाउंडरशिप का पोजीशन मिलना नामुमकिन है। इसलिए जो भी मित्र इच्छुक हो वे आज से कल तक में फाउंडरशिप ले सकते हैं।